तो बना दी शब भर में ही मौत की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन ना सका। आपने अलाउंस दिलवा दिया, अब इंजीनियर्स के अंदर वो एम्पावर करने के लिए जो बंदा चाहिए, जो एक लीडरशिप चाहिए, क्या आप कंसिडर करते हैं वो लीडरशिप कहाँ मौजूद है इस वक्त? हर इंजीनियर लीडर, हर इंजीनियर, इट्स द टॉप इंटेलिजेंसिया ऑफ द कंट्री। ये पाकिस्तान की जो मतलब जहीन तरीन लोग होते हैं वो इंजीनियर बन रहे होते हैं या डॉक्टर बनते हैं, ये बात तो हमारी, लेकिन मैं नीचे वालों को रिलाइक नहीं करता, मतलब ये मैं ये कह रहा हूँ। आपका मतलब है हमारी जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है उसके बाद इंजीनियर्स वो लोग होते हैं जो सबसे पहले क्रीम होती है वो इंजीनियर्स या डॉक्टर्स बन जाते हैं, उसके बाद जो उससे सेकंड नंबर पर आते हैं वो ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं। मैं सेकंड नंबर नहीं, जो ये इसको क्या कहते हैं जब आटा हुआ आप छानते हैं तो क्या होता है, निकलता है देखिए वो छान होता है। अच्छा। ब्यूरोक्रेसी के लिए खास कर मैं कह रहा हूँ और उससे ऊपर वाले लोग, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अलावा बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा, ये इनका माइंडसेट देखिए ना, जिन्होंने एक थर्ड डिविजनल ग्रेजुएट जो है वो इसी एग्जाम में बैठ सकते। अच्छा, आप मुझे ये कोई बंदा आज तक, ये मैंने सेनेट की सब कमेटीज में भी गया हूँ, मैं नेशनल असेंबली की सब कमेटीज में भी गया हूँ, मैं बड़े बड़े और फोरम पे भी गया, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ कि मुझे वो फार्मूला बता दें कि शाम तक आप सेक्रेटरी एनर्जी लगे होते हैं और सुबह जाके आप सेक्रेटरी जो है वो काल बन जाते हैं तो आपको मजहब का भी पता चल जाता है और उसके बाद अगले दिन आपको कोई उठा के इंटीरियर मिनिस्ट्री में डाल देता आपको उसका भी पता होता। भाई ये कौन सा फार्मूला है, मुझे तो समझ नहीं आता और दुनिया में ये नहीं है, पूरी दुनिया। आज सर्वस्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं, सर्वस्ट्रक्चर पाकिस्तान में इंडिया के अंदर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ इंडिया सितंबर 48 में मिल गई। 48 हम आप पाकिस्तान का इंजीनियर 2021 में भी इसके लिए भीख मांग रहा है और वो मिल क्यों नहीं रहा कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ के पिछले दो प्राइम मिनिस्टर इस बात पे कन्विंस हो गए थे कि हम इंजीनियर को सर्विस स्ट्रक्चर देते हैं, लेकिन इस ब्यूरोक्रेसी को पता है कि जिस दिन इंजीनियर पॉलिसी मेकिंग में आ गया तो फिर हमें किसी ने पूछा नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें इस वक्त आपकी इलेक्शन कैंपेन की, तो आपका ग्रुप डी इंजीनियर्स अगर पावर में आता है तो क्या चीजें होंगी जो आप आगे जाके फ्यूचर के लिए हमारे इंजीनियर्स के लिए देखते हैं कि वो एप्लीकेबल होंगी और वो ज्यादा इजी टू टच होंगी? देखिए जी, इंशाल्लाह हर इंजीनियर को, इस मुल्क के हर इंजीनियर को टेक्निकल नॉलेज मिलेगा। सर्विस स्ट्रक्चर देखिए, मैं जब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का एज ए चेयरमैन बात करता हूँ तो मेरे हाथ पांव बंधे होते हैं, मैं एक रेगुलेटर चेयरमैन हूँ, मैं सारी बातें नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं द इंजीनियर्स पाकिस्तान के चेयरमैन की हैसियत से बात करूंगा तो मैं ज्यादा खतरनाक। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब मैं दाई पाकिस्तान का चेयरमैन जो है ना, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन से ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज वो सड़क पे जा सकता है, वो जुलूस की क्यादत कर सकता है, वो पूरे पाकिस्तान के इंजीनियर को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकता है, वो पूरे पाकिस्तान के इंजीनियर को लेके अपने मुतालबात के हक में हर जगह पे जा सकता है, तो वो जो चेयरमैन होगा ना वो ज्यादा खतरनाक है। और ये ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से हमें ये हमारा हक नहीं देगी, ये हमारा हक है कि हम पॉलिसी मेकिंग में जाए। आप घरों में 28-29 रुपए यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये बिजली 5-6 रुपए यूनिट में मिलनी चाहिए, क्योंकि बिजली का यूनिट इस वक्त जो दुनिया बना रही है वो 2.5-3 रुपए का यूनिट बना रही है। अच्छा, ये ख्वाब वैसे खान साहब ने भी हमें तब्दीली का नारा लगा कि आज वो पावर में है, आज वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इस ख्वाब की तबीयत नहीं मिली। मैं कोई इस पर कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन अब मैं अपना हिसाब आपको दे रहा हूँ कि मेरा हिसाब ये है कि मैंने कहा कि 1 बिलियन 10 बिलियन। अगला मेरा हिसाब यह है कि आपके शहर में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास 1 मरला जमीन नहीं थी, 4 मरले के जमीन पे शहर के वस्त के अंदर मॉडल टाउन एम ब्लॉक के अंदर 10-10 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है इस वक्त पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। इस्लामाबाद में 10 स्टोरी बन रही है, पिशावर हयातबाद में 10 स्टोरी, 3 बिल्डिंगे खड़ी कर रहे हैं। ये वो ख्वाब है जो हमने इंजीनियर्स को दिखाए थे, उनकी ताबीर उनको नजर आ रही होते हुए ठीक हो गए। अब ये कोई किराए की बिल्डिंग नहीं, चलाने के लिए हम नहीं काम कर रहे, यहाँ पे हमने इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे। आप इंजीनियर की देखें बेरोजगारी सबसे हाई पे है, वहां पे हम 2 फ्लोर फिक्स करेंगे वहां पे, जहां पे उन इंजीनियर्स को, ये नहीं कि फ्रेश इंजीनियर्स नहीं, सीनियर इंजीनियर बैठे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस वक्त मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस में आ रहा था तो मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम यह था कि मैं अपना दफ्तर कैसे किराया दूंगा और कैसे दफ्तर बनाऊंगा, बिकॉज इट्स द फिक्स मनी रिक्वायर्ड। सो
सो आज मैं इंशाल्लाह ये ड्रीम 2022 जून तक बिल्कुल सामने आ जाएगा, जब पूरी इमारत बन के खड़ी हो जाएगी, डेकोरेट हो जाएगी, वहां से इंजीनियर आया करेंगे, 100-200-250 इंजीनियर, फिर वो बिजनेस अपने स्टार्टअप शुरू करेंगे और उनको एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। वो जब एंटरप्रेन्योरशिप आएगी तो फिर इंजीनियर को सोसाइटी रिकग्नाइज करेगी। ये जो जब 3 टावर्स खड़े होंगे इसके अंदर काम होगा, हम गवर्नमेंट के थिंक टैंक है, फिर हम थिंक टैंक की मदद से हम गवर्नमेंट को 28-29 रुपए की बिजली नहीं बेचने देंगे, हम गवर्नमेंट को 20-21 रुपए की 14 रुपए की बिजली खरीदने नहीं देंगे। आपका मतलब है ब्यूरोक्रेसी और हमारी जो लीडरशिप है आप उसको क्रॉस कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि नहीं खरीदने देंगे तो नहीं खरीदने देंगे, पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी को अवेयर करेंगे, ऑडिटोरियम बन रहा, वहां बुलाऊंगा सारे इंटेलिजेंस को, बताऊंगा भाई ये 21 रुपए की बिजली खरीदने लगे हैं, इनको समझाओ कि ये 3-4 रुपए की बिजली मिल रही है तो क्यों नहीं खरीद रही है। जब हम एक ये पॉलिटिकल प्रेशर्स डेवलप करेंगे तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ इंजीनियर आगे लेके जाएगा इस मुल्क को। अगर इस मुल्क को खुशहाल आपने करना है तो उसको डिसीजन मेकिंग में हिस्सा देना होगा। हमसे बिल्डिंग ना बनवाएं, उसकी सिर्फ मरम्मत ना करवाएं, हमसे ये पूछें कि क्या ये बिल्डिंग इस तरह यहाँ बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जावेद सलीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, विश यू गुड लक फॉर योर इलेक्शंस एंड फॉर दी इंजीनियर्स। और अजीन कहते हैं वादा न वफा करते वादा तो किया होता, वादा कर रहे हैं जावेद सलीम कुरैशी साहब के वो हमें बिजली सस्ती देंगे। इस पूरे इंटरव्यू में मुझे आवाम के फायदे की जो बात नजर आई वो कलेक्टिवली पूरे पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी हो सकती है, लेकिन मैं उम्मीद करूं कि मीडिया ने तो बहुत अवेयर किया है आप लोगों को कि बिजली इतने की नहीं है, इतने रुपए का यूनिट पड़ सकता है। अब हो सकता है कि ये अवेयरनेस आपको पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल अदा कर दे। होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।